उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सकलडीहा में ताल की जमीन को लेकर किसानों और प्रशासन में तकरार बढ़ी है। किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन है, इस पर उनका परिवार पिछले 100 साल से खेती करते आ रहा है। इस पर शासन ने चकबंदी भी की है, लेकिन उन्हें नोटिस देकर इससे बेदखल किया जा रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह ताल की जमीन है जिसे वापस लिया जा रहा है। दरअसल इस क्षेत्र के 5 गांव पंचदेवरा, बरगा, जमुनीपुर, ढेंगवट, फिसोड़ा, दुधारी और तेंदुहान कल्याणपुर के गांव के किसानों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्हें सरकार की तरफ से जमीन खाली करने के लिए कहा गया है। सरकारी नोटिस के मुताबिक इस क्षेत्र में कभी एक ताल था, बाद में किसानों ने इस जगह पर खेती करनी शुरू कर दी। अब किसान यही कह रहे हैं कि खसरा खतौनी से भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि किसान लंबे समय से यहाँ खेती कर रहे हैं, अब उन्हें जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि कुछ जमीन ऐसी भी है जो जमींदारी प्रथा के वक्त से लोगों को भूमिदारी और सिरदारी से मिलती थी, जिसके बाद खतौनी में उनका नाम चढ़ा है, उनका मालिकाना हक बना रहना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसानों से ये कहा गया है कि वह अपने कागजात लेकर उपजिलाधिकारी न्यायालय सकलडीहा में उपस्थित हो, जिससे कि उनके कागजातों की जांच की जा सके और उनके पक्ष को सुना जा सके। सर, हमारा नाम हरिदास प्रसाद है, मैं पंचदेवरा तहसील ब्लॉक सकलडीहा जनपद चंदौली का रहने वाला हूँ। हमारी जमीन जा रही है SDM सकलडीहा के द्वारा। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जमीन जाए, हम एकदम भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे सामने रोटी का बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। मामला ये है कि महोदय उपजिलाधिकारी के द्वारा हम सारे किसानों को एक नोटिस लगाई गई है, और नोटिस में ये जिक्र किए हैं कि ये 1356 और 59 फसली वर्ष को मानते हुए हम सारे किसानों की ज़मीनों को वो ताल बता रहे हैं, जबकि हम लोगों को ये जमीन जमींदारों के माध्यम से भूमिधरी सिरधरी चकबंदी के माध्यम से चक मिला है। किसानों की जमीन जो है बेदखल हो रही है, उपजिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं और चकबंदी विभाग। वो 1356-59 जो है जमींदारी उन्मूलन से पहले का वो रिकॉर्ड ले रहे हैं, जबकि हम किसान जो है जमींदारी उनके समय से खेती करते आ रहे थे, उसके बाद काबिज जो है उस जमीन पर। मामला है कि जिला कारागार के निर्माण हेतु 30.334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी, जो बाद में शिकायत में पता चला कि वो जमीन, उसमें किसानों ने पैसे भी ले लिए थे, पता चला कि वो रॉयल तालाब के नाम से पहले दर्ज थी 1359 फसली में। तो उसकी जांच के लिए हमारे प्रदेश स्तर पर कमेटी बनी है, जांच टीम बनी है। उसी क्रम में वहां अगल बगल की शिकायतों में पता चला कि जमुनीपुर, दिघवट, फेसुड़ा और पंचदेवरा में भी बरंगा के बाद कुछ रॉयल तालाब के नाम से 1359 फसली में जमीन दर्ज था, जिस पर आज वर्तमान में किसानों का नाम दर्ज है। इसी क्रम में तहसीलदार सकलडीहा की जांच रिपोर्ट आई है और सारे किसान भाइयों को उनके पक्ष रखने के लिए न्यायालय के द्वारा नोटिस भेजी गई।